हिम्मत नहीं है मेरे उसके लिए, मैं तो चल नहीं पाऊंगा। रोने लगे और भगवान का भजन करने लगे। रात्रि में सोए, सुबह उठे तो पहुंच गए द्वारिका। यह भगवान का चमत्कार। सुबह द्वारिका पहुंच गए, बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं, सुंदर सुंदर लोग, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने लोग, अच्छी बाजार मार्केट देखे। बोले भैया कहाँ आ गया। एक व्यक्ति से पूछे, महाराज कौन सी नगरी है। बोले द्वारिका पुरी है महाराज। तो बोले कहाँ जाएंगे पंडित जी। तो बोले हमें जाना है कन्हैया के घर, कन्हा के घर। वहां भगवान का नाम क्या है। राजा धीराज महाराज, द्वारिकाधीश महाराज, कृष्णचंद्र जी महाराज, बड़ा भगवान का लंबा नाम है। बोले कौन कन्हैया कौन कन्हा। बोले जो इस समय द्वारिका के राजा हैं। और कहते किसी व्यक्ति ने रास्ता बताया और पहुंच गए द्वार के पास, पहुंच गए महल के समीप, द्वार में पहुंच गए। अब द्वार में कौन खड़े, दो द्वारपाल खड़े। जय और विजय। जाकर के पहले राधे राधे की, जय श्री कृष्ण की, जी पंडित जी महाराज आइए। द्वारपालों मुझे कन्हैया से, आपके मालिक से, द्वारिकाधीश से मिलना है। आप कहां से आए महाराज, आप बता दो जाकर के कि मैं इनके बचपन का सखा ब्राह्मण सुदामा, बस इतना बता दोगे वो दौड़कर आएंगे, इतना बताएंगे वो दौड़कर चले जाएंगे। तो द्वारपालों ने पहले बैठाया उनको, महाराज आप बैठो आराम करो यहीं पे, पहले कुछ भी तो वहीं, क्योंकि हजारों लोग जाते हैं, राजा क्या कौन नहीं जाता, हजारों लोग जाते हैं वहां बताने वाले, हम भगवान के, हम भगवान के। तो बोले हम पूछ के आते हैं, पूछ के आते हैं, बैठे उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो कहते सुदामा जी महाराज को बैठा करके द्वारपाल चले गए पूछने। जिस समय भगवान से पूछने गए उस समय भगवान भोजन पा रहे थे, भगवान का भोजन के समय था, पर्दा बंद था। द्वारपाल को भगवान ने देख लिया। बोले क्या हुआ। बोले महाराज एक ब्राह्मण, विचित्र ब्राह्मण आए हैं और उनका नाम सुदामा है, बोल रहे हैं आपके बचपन के मित्र हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही द्वारपाल ने कहा, श्री भगवान ने भोजन छोड़ दिया, बिना पादुका पहने, बिना चप्पल पहने, धूप में नंगे पैर परमात्मा दौड़ पड़े, आंखों में आंसू आए, सुदामा 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 कहते दौड़ पड़े भगवान। पूरी सेना, पूरा परिवार, पुत्र नाती पोते सब लग गए, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन आ गए, भगवान स्वयं दौड़ पड़ते हैं। भगवान दौड़ते 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 जा रहे हैं। बड़ी भैया जाकर के जैसे ही कृष्ण, रामा जी क्या कर रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, भगवान का नाम जप रहे हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान का नाम जप रहे हैं रामा जी महाराज। भगवान गए और भगवान ने गले से लगा लिया और क्या किए, सुंदर रथ मंगाई, सुदामा जी को रथ में बैठाई और बड़ी सुंदर शोभा यात्रा, जैसे हम भागवत में निकालते हैं ना, ऐसी सुदामा जी की शोभा यात्रा निकाली गई। कलश मंगाई गई, 108 बैंड बाजे नगाड़े बजाए गए। बोले आज हमारे राज्य की छुट्टी, आज क्या है, पुष्पों की वृष्टि करते हैं, सुदामा जी का स्वागत होते हुए करते हुए भगवान स्वयं ले आए अपने महल में। जिसमें स्वयं भगवान बैठते हैं, उस सिंहासन में ना भगवान के बेटे बैठे,
न पत्नियां बैठी, कोई नहीं बैठा उस सिंहासन में। करती है लेकिन सुदामा जी को बैठाए, क्यों बैठाए? तपस्वी, ब्राह्मण, साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, सदगुरु, ये आ जाए तो अपनी गद्दी में बैठाना चाहिए। तो क्या होगा? हमारी गद्दी, हमारी दुकान, हमारी फैक्ट्री, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। बैठा करके क्या किए? बैठा दिए, पानी मंगवाए, पात्र मंगवाए सुदामा जी के लिए। पहले परात आई, पात्र आया और भगवान सुदामा जी के पैरों को पाद आच्छादन करना चाहते हैं। नियम है हमारे यहाँ कोई अतिथि आए ब्राह्मण है तो पैर धुलना चाहिए। तो बड़ी भैया क्या करने गई? पानी लेने गई। बोले आज कोई नौकर नहीं, आज कोई सेवक नहीं है, हमारे यहाँ आज स्वयं ब्राह्मण भगवान आए तो अपने हाथों से सेवा करेंगे। सब खड़े खड़े देख रहे हैं भगवान करके आ रहे हैं। भगवान के पैरों की ओर जैसे नजर गई भगवान की सुदामा जी के पैरों में, तो देखी सुदामा की नीच दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैन के जल से भग होए। कंकड़ पत्थर बिवाइया, अब पैरों में बहुत सा खून निकल रहा है। भगवान के आंखों में आंसू आ गए, अश्रु प्रवाह हो गए और ऐसा लगा मानो भगवान अपने आंसू से सुदामा जी के पैर धुल दिए। कंकड़ निकाल रहे हैं, कांटे निकाल रहे हैं, भगवान की करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान के आंखों में आंसू आए, बोले सुदामा जी इतना कष्ट पाने के बाद भी आप मेरा नाम नहीं भूले। लोगों के जीवन में थोड़ी परेशानी आ जाए, व्यापार में घाटा आ जाए, परिवार में कुछ हो जाए, तबियत खराब हो जाए, तो लोग बोलते हैं भगवान को छोड़ छोड़। भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, परमात्मा को छोड़ा, पूजा पाठ बंद, मंदिर जाना बंद। महाराज हम 20 साल से जा रहे हैं सगरा मंदिर, फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ कुछ नहीं करते, हमारे कर्म हमारे साथ जोड़ी करते हैं। हमने जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। बल्कि ये मानिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता रहता है, उसके जीवन में बुरा समय आता है तो उसको वो सह लेता है, निकाल लेता है। पर जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनके जीवन में बुरा समय आया तो सह नहीं पाएंगे। सुदामा जी महाराज के पैर धरे गए, चंदन लगाया गया, माला पहनाई गई और क्या किया गया? आरती की गई, 56 धूप लगाए, महाराज आ पाई गई, सारी रानियां सारे पुत्र सब खड़े हैं। आज भगवान को पैरों में बैठ गए हैं, नीचे लक्ष्मी माता स्वयं खड़ी है, सब लोग खड़े हैं, लेकिन ब्राह्मण बैठे। अब तो भोजन आया, प्रसाद पाए। सुदामा बोले देखो भैया मेरा स्वागत हो गया, अभी तक मैं ब्राह्मण तू राजा, अब हम दोनों मित्र हो गए, अब भोजन साथ साथ करेंगे, मेरा स्वागत हो गया। तो कहते साथ में भगवान के भोजन पाए, भोजन हो गया, विश्राम हुआ। सुदामा जी महाराज के पैरों की सेवा कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान। और पैर धोने के बाद जो पानी निकला ना, पानी बचा पैर धोने वाला, उसको भगवान स्वयं चरणामृत पान किए। भगवान क्या किए? सुदामा जी के पैर धोए गए पानी को स्वयं पिए, पूरे पुत्रों को पत्नियों को पिलाए और बोले द्वारिका के प्रत्येक महल में हर जगह इस पानी को छींटो, क्योंकि ब्राह्मण के पैरों का जो पानी है, जल है, वो हमारे लिए गंगा जल है, वो हमारे लिए चरणामृत है। आज उल्टा हो गया, हमेशा भगवान के भक्त भगवान के पैरों का पानी पीते हैं लोग चरणामृत, पर आज भगवान अपने भक्त के पैरों का पानी पी रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी महाराज ब्राह्मण है और तपस्वी ब्राह्मण है। न कार है, न दुकान है, न मकान है, न पैसे, फिर भी स्वागत हो जाए। क्यों? जिसके पास तपस्या होगी, जिसके पास भजन होगा, जिसके पास अपनी भक्ति होगी, वहां तो भगवान भी झुक जाएंगे। जय श्री राम। सबको पानी सिंचन हुआ, भोजन हुआ, अभी प्रसाद आ, और भगवान क्या किए? साष्टांग दंडवत प्रणाम किए सुदामा जी, पूरा लेट गए। साष्टांग मतलब क्या होता है? पूरा पूरा लेट गए, प्रणाम किए। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, देखिए भगवान भी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं कोई तपस्वी, कोई भजन करने वाला, कोई जप करने वाला ब्राह्मण मेरे यहाँ आएगा तो मैं झुक जाऊंगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणेदाय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, पत्नियां भी आई, एक एक करके बहुत सी पत्नियां आई। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव,
हाथ थक गए, दुबले पड़े थे। ब्राह्मण बोले क्या हुआ? पूरे गांव की, पूरे मोहल्ले की, पूरे नगर की आग? बोले नहीं महाराज, सब अपनी। बोले एक काम कर, तू एक बार और मेरे पैर पड़ ले। कहते सुदामा जी महाराज के चरणों में एक बार और ठाकुर जी गिर पड़े, लेट गए। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिए, जाओ तुम्हारा घर, जाओ धनम धान्यम पशुं बहु पुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घायुः। भगवान ने आशीर्वाद, भगवान को आशीर्वाद दिए। अब तो भगवान क्या किए, सुदामा जी के पैरों की सेवा करे और बोले सुदामा जी महाराज अपि कुलम ब्रह्मा सम्यम। आपको याद है हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, आप पढ़ने में बड़े अच्छे थे, मैं थोड़ा सा चंचल था। आपको याद है महाराज, सुदामा जी बोले बिल्कुल याद है। सुदामा जी महाराज हम लोग बड़ी सेवा किए गुरु जी की, पर आपने क्या विवाह किया? बोले हाँ इच्छा नहीं थी, पिताजी ने करवा दिया। क्यों नहीं बुलाए? अरे महाराज, सुदामा जी से बोले भगवान मुझे क्यों नहीं बुलाए शादी में? सुदामा जी बोले महाराज अरे कन्हैया मैंने तो एक किए, मैंने एक विवाह किया, तुझे नहीं बुलाया। और तूने 16108 किए है, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो भगवान बोले मेरा विवाह तो ऐसे हुआ सुदामा जी महाराज, सुबह कोई प्लानिंग नहीं, दोपहर तक कोई चर्चा नहीं, शाम को भी आराम से बैठे, रात में विवाह हो गया। सुदामा जी बोले मेरा विवाह हो गया। बोले भाभी का नाम क्या है? बोले सुशीला। बोले क्या भेजी है मेरे लिए? अब सुदामा जी बड़े संकोच में, पूरी रानियां हैं, सारा परिवार है। जय जय श्री राम, पूरा परिवार है, पूरा समाज है। सुदामा जी बड़े संकोच में, इतनी बड़ी बड़ी रानियां, सोने की चप्पल पहनने वाली रानियों के सामने में कैसे हो? मैली कुचैली पोटली दूं? तो भगवान मन की बात समझ जाते हैं। क्या समझते हैं? मन की बात को प्रभु ने क्या किया, सुदामा जी से पोटली छीन ली, और जैसे ही भगवान खोल करके देखे उसमें चावल। पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या प्रयच्छत्। भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक जो भी देता है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ, बस अपनी भावना अच्छी हो। उस पत्र में, उस पुष्प में, उस भोजन में, उस वस्त्र में उसका प्रेम होना चाहिए, उसका भाव होगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। और भगवान ने क्या किया, वो चावल प्रभु ले लिए और देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बोले वाह सुदामा जी, आपके घर में ना कपड़े हैं, ना चावल है, ना पात्र है, इतना दुख होने के बाद भी आप मेरा नाम लेते रहे। और भगवान की आंखों में पुनः आंसू आ गए। बोले ऐसा सुख दूंगा आपको कि संसार में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं होगा। और भगवान ने पहली एक मुट्ठी चावल प्रभु ने लिया और प्रभु पा लिए, उसको खा लिए। अनीना स्वर्ग लोकेन इंद्रेना सुखेना सुदामादीयत। मैं सुदामा जी महाराज को इंद्र वाला सुख, इंद्र वाला वैभव, इंद्र वाला आराम देता हूं। और भगवान ने यहाँ बोला, यहाँ खाए भगवान, वहां सब कुछ अपने यहाँ ऑटोमेटिक बन गया, महल बन गया, फर्नीचर बन गया, ज्वेलरी बन गई, नौकर चाकर आ गए। भगवान सोचे हैं तो वहां सब बन गया। संकल्प मात्रे सिद्धि, भगवान सोच रहे तो बनना ही पड़ेगा। दूसरी बार भगवान ने लिया, दूसरी मुट्ठी भगवान ने लिया चावल और बोले सर्व सुखेन सुदामादीयता। सुदामा को जितना दुख मिला है, जितना दुख मिला है, सबसे ज्यादा दुख मिला है, जो सबसे ज्यादा दुख पाएगा वही बाद में सबसे ज्यादा सुख पाएगा। तो बोले दुख तो बहुत पा लेगी, अब आपका नंबर सुख का है, इस बार सब कुछ दे दिए, वहां सब बन गया। कहते विश्वकर्मा जी गए वहां बनाने महल, उनके दूध। बोले देवी जी आपका घर बनाना है, महल बनाना है? बोली ना ना ना, मेरा घर नहीं, जिन्होंने मेरी हेल्प की है, जब मैं गरीब थी, चावल दी, वस्त्र दी, कपड़े दिए, उन सबका घर बनाओ। कितनी बड़ी सोच है, सोचिए। बोली सबका बनाओ तो कहते पूरे गांव का, पूरी कॉलोनी, पूरा नगर बन गया पक्का वाला। वो बोली सर्वे भवन कैसे घर रहा, मेरा तो कल्याण हो, मैं तो बड़ी मेरी भी तरक्की हो, और मेरे गाँव में, मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, सबकी तरक्की हो जाए। ये भाव होगा तो हमारा भी कल्याण होगा और सबका भी कल्याण होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री।
श्री राधे जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज चावल खाए, तीसरी मुट्ठी लेने लगे। लक्ष्मी मैया बोली, मणि बोली, प्रभु कच्चे खा जाएंगे, पेट में दर्द होगा। और ये सारे ने बहुत कुछ बोल गई, ब्राह्मणों को ज्यादा पैसा मत दीजिए, वही ब्राह्मण जिन्होंने आपके हृदय पर पादक प्रहार किया था। बोले देवी, ब्राह्मण तो मेरे मुकुट मणि है, मैं ब्राह्मण को दास, ब्राह्मण मेरे मुकुट मणि। और भगवान लोग कहे दो ही मुट्ठी में भगवान ने सब कुछ दे दिया, और जो बचा था उसको सब रानियां खाई। एक रात्रि विश्राम किया, सुदामा जी कितना रुके, सिर्फ एक रात्रि रुके। सुबह सुदामा जी जाने लगे, सुदामा जी ने ना कुछ मांगा और भगवान ने ना कुछ दिया, क्योंकि जानते मेरा मित्र ऐसा है, ऐसा स्वाभिमानी है, मना कर देगा तो भगवान ने पहले ही सब कुछ दे दिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब सुदामा जी वापस लौटे तो मन में सोच रहे हैं, मैं कितना बड़ा पुण्यशाली हूँ, कितना बड़ा भाग्यवान हूँ, कृष्ण ने कन्हैया ने परमात्मा ने मेरा पूजन किया। कि मने ने लम पुण्यम अवधूते ने वेसे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, पूरी रानियां, पूरा राज, पूरा दरबार मेरे चरणों में गिर गया, मैं भगवान का सच्चा वाला भक्त हूँ। और फिर भी जब देख कृष्ण 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 घर में आए तो महल में गए, जैसे ही घर छोड़कर जाने लगे भगवान प्रकट हो गए। बोले सुदामा जी, आप यहीं रहकर, इसी महल में रहकर मेरे मुझे प्राप्त करोगे। और भगवान वहां से चले गए। सुदामा जी ने भगवान की भक्ति करके प्रभु का नाम लेकर अपने जीवन का कल्याण कर लिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्त की पहचान ये है, उसे ना धन प्रभावित कर सकता है, ना परिवार वाले, ना पैसा, ना रिश्ते। यानी जो भक्त होगा वो अपने समय पर पूजा करेगा, अपने समय पर पाठ करेगा, उसे कोई बिजली कोई प्रभावित नहीं कर सकता कि आज हमारे घर में मेहमान आ गए हैं, आज पूजा थोड़ा देरी से कर लेंगे, ये आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। भक्त वो है जो किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी से प्रभावित ना हो, कभी विचलित ना हो, वही भक्ति श्रेष्ठ है। जय जय सुखदेव स्वामी कहते राजन, परमात्मा ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं, सबका कल्याण करते, बस हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। और भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा कल्याण होगा ही, निश्चित है। हम तर जाएंगे, हम तर जाएंगे, हमारी भक्ति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, प्रभु का नाम ले लें, ठाकुर जी का नाम ले लें। जय तो आइए, हमारा प्रिय भजन है राधे रानी के नाम की पतंग, भक्ति वाली पतंग उड़ जाएगी तो हमारा, हमारी आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर जाएगी। तो आइए चलते सब कोई प्रभु के चरण। जब से तेरा संग मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से तेरा संग मिला मेरी डोर तुमसे जुड़ गई रे, तेरा खिला खिला तेरा खिला खिला तेरा खिला खिला
कोई भी ना आए, खासकर सारे बराबर जी, क्यों हमारे और भगवान के बीच में हमारे परिवार आता है, हमारी माया आती है, पैसे आते हैं, पड़ोसी आते हैं, दुनिया वाले आ जाते हैं आपके और हमारे बीच में। तो भक्त कहता है सही भी
चाहते हैं। भोलेनाथ का मतलब क्या है? भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आशु शीघ्र तुष्यति कुप्यति इति आशुतोषम्। जो शीघ्र खुश हो जाते हैं वो है आशुतोष। और भगवान नारायण कैसे? भगवान नारायण जो है कहते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, जिसको अपना बना लेता हूँ, जिसको अपना मान लेता हूँ, जो मेरी भक्ति में आगे आ जाता है उसका सब कुछ मैं धीरे धीरे छीन लेता हूँ। क्या करता हूँ? छीन लेता हूँ। हरि से तत्नम्रतम। और इसके बाद जब उसकी कोई हेल्प करता है उनको भी दूर कर देता हूँ, परिवार को समाज को सबको दूर कर देता हूँ। इसके बाद यदि वो प्राणी वो जीव वो मनुष्य मेरा भक्त बना रहता है, पूजा करता रहता है, जप करता रहता है, पाठ करता रहता है, मेरे विश्वास बनाए रखता है, तो इतना धन देता हूँ, इतना धन देता हूँ कि हजारों पीढ़ियां बैठे बैठे खाती है। पर पहले परीक्षा करता हूँ। और भगवान शंकर कैसे है? किसी ने ओम नमः शिवाय बोला, बिल बिल भाया बाबा तो प्रकट हो जाते हैं। और एक बड़ी सुंदर कथा सुना दी है। किसकी कथा? जल्दी यदि भगवान को पाना है तो भोलेनाथ जी आ जाते हैं। तो ब्रह्मासुर ने भस्मासुर ने क्या किया, भगवान शंकर का केदारनाथ में जाकर बड़ी सुंदर तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान प्रकट नहीं हुए तो क्या किया? अपने शरीर को काट काट के स्वाहा स्वाहा करने लगा। पैर काट डाले, हाथ भी एक काट ही दिया। भोलेनाथ तुरंत प्रकट हुए, रुक रुक रुक, ऐसा मतलब हम प्रकट हो गए, तुमसे मान क्या चाहता है? तो बोले प्रभु ऐसा वरदान दो जिसके सिर पे हाथ रुदू हो, मर जाए, भस्म हो जाए, तुरंत अग्नि लगे और स्वाहा हो जाए, राख बन जाए, भस्म बन जाए। भोलेनाथ बोले जाओ मेरा वरदान है तथास्तु। और बगल में जैसे ही वरदान मिला, बगल में खड़ी थी पार्वती मैया, गौरी हर हर हर। दुष्ट व्यक्ति की पहचान है जब तक उसका काम आपसे रहेगा, जब तक उसका स्पर्श रहेगा, आपसे खूब प्रेम से बात करेगा, खूब सम्मान करेगा, खूब आपके पास आएगा। जैसे ही उसका काम सिद्ध होगा वो आपको दिखाई देने वाला नहीं है। तो गौरी हर हर। भगवान शंकर ने जैसे ही वरदान लिया, माता पार्वती को देखकर खड़े हो, दृष्टि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई। और बोला तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर, बड़ी स्मार्ट है, शादी तो यहीं से करेंगे। और शादी करके तुमको पहले जलाएंगे, तुम्हारे सामने ही शादी करेंगे। अब वरदान तो वरदान होता है ना, देने वाले के पर भी लागू होता है। अब भोलेनाथ क्या करेंगे? भोलेनाथ भागे। भगवान शंकर कहते हैं जीवन में कभी कभी भागना पड़े तो अपनी जान बचा लो भागकर। कभी कभी ऐसा समय आता है कि व्यक्ति को भागना पड़े तो भगवान स्वयं भाग रहे हैं। तो भोलेनाथ बड़ी तेजी से भागे कि राक्षस छोड़ने वाला नहीं है, बुद्धि खराब हो गई, वरदान हम ही दिए और ये वरदान हम ही पे भारी पड़ रहा है। जैसे ही भोलेनाथ भागे, नारायण भगवान विष्णु जी भोजन कर रहे, बड़े मुस्कुराए, बाबा और दे दो वरदान, और राक्षसों को दो वरदान, आग फंस गए। तो भगवान का ध्यान किए, बोले प्रभु बचाइए, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो भोलेनाथ के पास स्वयं नारायण आ गए। किसका रूप बनाकर? ब्राह्मण रूप, ब्राह्मण बनकर आएंगे। क्यों बनकर आए? भगवान जानते हैं युद्ध करेंगे तो ये राक्षस इसको वरदान है, हाथ रख के भस्म कर सकता है। तो भगवान ब्राह्मण बनकर आए। और जानते हैं ब्राह्मण बनकर जाऊंगा तो कम से कम बात अच्छे से करेगा। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और प्रभु जा चले गए प्रकाशसुर के पास। भस्मासुर के सामने जाकर खड़े हो गए ऐसे करके, महाराज 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 कहां जा रहे हैं? आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा तपस्वी, आप जैसा विशिष्ट व्यक्ति पैदल चले महाराज, दौड़े कहां जा रहे हैं महाराज? अरे पंडित जी, जान नहीं पहचान नहीं, क्यों रास्ता रोक रहे हो? मैं उस शंकर को भोलेनाथ को जलाने जा रहा हूँ, आज इसको जलाऊंगा और उसकी पत्नी से विवाह करूंगा। भगवान बोले पहले चेक तो कर लो वरदान सही है कि नकली है। बोला नहीं महाराज, मैं तो जाके जलाऊंगा। तो भगवान बोले भैया वो नकली बाबा है, वो झूठा वरदान देता है,
वो दिनभर नशे में रहता है। वहां किसमें किस नशे में रहते हैं? राम नाम रूपी नशा, राम नाम रूपी नशा। जितने दुनिया के नशा है वो क्या करते हैं? नशा नाश कर देता है तन मन धन और विचारों का। नशा करने वालों का तन भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, धन भी खराब होता है, परिवार में झगड़ा भी होता है। पर एक नशा ऐसा है भगवान के नाम का, भक्ति के नाम का, वो यदि चढ़ गया तो फिर क्या होता है? फिर तो जीवन संवर जाता है, जीवन बढ़िया होता है। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान बोले झूठा बाबा है, नकली बाबा है। अरे पंडित जी मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैंने तपस्या की है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। तो बोले एक काम करो, अपने ऊपर चेक कर लो, यदि गर्म लगे तो हटा लेंगे। और भगवान ने अपनी बातों में फंसाया है। और फंसने के बाद क्या हुआ? जैसे ही ऐसे हाथ लगे भगवान बोले क्यों गर्म लग रहा? बोले ना, बोले मैंने बोला था वो झूठा बाबा है, वो झूठा वरदान देता है। और अपनी बातों में भगवान फंसाए। और एक क्षण क्या हुआ? अपने हाथ को गरका से उन्होंने अपने सिर पर रखा, अग्नि लग गई। और एक सेकंड में क्या हुआ? राख लग गया, स्वाहा हो गया। भोलेनाथ दौड़ कर आए भगवान के चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ बोले प्रभु आपने आज मुझे बचा लिया, आपने बड़ी कृपा की थी, आज मेरा ही वरदान मुझे भारी पड़ जाता। भगवान बोले भोलेनाथ जरा सोच समझ कर वरदान दिया करो। और भोलेनाथ प्रभु वहां से चले गए। तो सच बात तो यह कि भगवान भोलेनाथ जल्दी खुश हो जाते हैं, पर नारायण भगवान पहले परीक्षा करते हैं। परीक्षा किसकी होती है? सोने की होती है, गोल्ड की, लोहा तो ऐसे पड़ा रहता है। तो जो भक्त होंगे अच्छे होंगे उनको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी। और जो भक्ति नहीं करते भगवान उनसे कोई मतलब भी रखते नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरा नाम लेते हैं, उन्हीं के जीवन में कष्ट आता है। क्यों आएगा? देखो जो बेड में सोएगा ना वो गिरेगा, पर नीचे सोने वाला, धरती में सोने वाला कितने भी कर्म करे गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा ना। तो भगवान बोले मेरे भक्त के जीवन में कुछ कष्ट आ जाए, कुछ बाधाएं आ जाए, थोड़ा कष्ट देकर उसे मैं ठीक कर लेता हूँ। यदि मेरे भक्तों के जीवन में कुछ कष्ट आ जाता है तो मैं थोड़ा कष्ट देकर उसको ठीक कर लेता हूँ। पर जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं वो उतनी बार पाप करे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो भक्तों के जीवन में कष्ट का मतलब है भगवान हमें अपने लायक बना रहे हैं। सोने को तो पाया जाता फिर उसको बढ़िया ज्वेलरी बनती है, बिस्किट जो होता है उसमें ज्वेलरी नहीं बनती, उसमें कुछ मिलावट होती। ऐसे ही शरीर में हम लोग क्या मनुष्य हैं, हमारे अंदर भगवान ने क्या किया? माया की मिलावट की। तब हमारे अंदर क्या हुआ? मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरे मित्र। माया ना हो ना तो सबको ही सबको भूल जाए। और बिना माया, माया जिसके अंदर नहीं होती वो क्या होता? मेरा कोई नहीं है। तो माया से भगवान ने पूरे रिश्ते बना दिए। माया ना होती तो कोई रिश्ता ना होता। भगवान कहते हैं विशुद्ध समुद्र बन जाओ, मेरे भक्त यदि थोड़े बहुत कुछ गड़बड़ करें तो मैं उनको ठीक कर लेता हूँ कष्ट देकर। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बेटा, एक कोई बच्चा है और दो बच्चे लड़ गए आपस में, तो जो समझदार माँ होगी वो अपने बच्चे को ही डांटेगी। समझदार माँ अपने बच्चे को डांटेगी तुम इससे लड़ने क्यों आए, बाहर क्यों आए? और अपने बच्चे को थप्पड़ मारकर अंदर ले जाएगी, अब मत जाना। पर यदि माँ समझदार नहीं होगी तो अपने बेटे को बोलेगी बेटा यहाँ आ, पड़ोसी के यहाँ जाकर के लड़ाई करना शुरू कर देगी, मेरे बेटे को इसने मारा। पर समझदार माँ वही है अपने ही बेटे को डांट कर, फटकार कर, थप्पड़ मार के ले आए। तो भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त आते होते हैं उनको थोड़ा बहुत कष्ट देकर मैं ठीक भी कर लेता हूँ, पर जो मेरी भक्ति नहीं करते वो कहीं जाए मुझे कोई मतलब नहीं। और ऐसे बहुत लोग होंगे आपके पास भी, पूजा नहीं करते होंगे, पाठ नहीं करते होंगे, वृंदावन नहीं होंगे, नहीं गए होंगे तो भी करोड़पति होंगे। वैसे बात ऐसा नहीं कि भक्ति ना करने वाला गरीब होता, ना ना ना। ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी पूजा नहीं करते तो भी करोड़ अरबपति हैं, पर उनके जीवन में जब कष्ट आता है तो फिर वो सह नहीं पाते। लेकिन भक्ति करने वाले के जीवन में जरा भी कष्ट आता है, बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए उसे सह भी लेता है, समझ भी लेता है, और भगवान के नाम के सहारे अपने कष्ट से बाहर निकल जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
लेकर के श्रीमद् भागवत दे दिए। वेद व्यास ने बड़ी कृपा की, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलियुग के जो कष्ट है ना, कलियुग में भागवत जो साक्षात भगवान का वाग्मय स्वरूप है, श्रीमद् भागवत आख्योयम कष्ट एवली। कलियुग में मिनिमम कम से कम यह भागवत को सुनिए ही, वैसे तो 18 पुराण है, फिर भी भागवत सुनने से क्या हो रहा है, भागवत से भक्ति आती है और भक्ति से प्रेम रहता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ परमात्मा ही स्वयं चलकर आ जाते। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किसो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें यदुवंश के संघार की कथा कहूंगा। रूप यौवन संपत्ति प्रभुर भ्रम विवेकिना बहुत बड़ा परिवार है, यदुवंश ने बहुत बड़ा परिवार, राजा के बेटे, पर क्या हो गया, रूप यौवन संपत्ति, सुंदर रूप का हो ना कोई, बहुत बढ़िया स्मार्ट हो, संपत्तिशाली हो, बड़े पिता का बेटा हो, बड़ा नाम हो शहर में, और बुद्धि ना हो, दिमाग ना हो, संस्कार ना हो, तो क्या करेगा, एक एक पाप अनर्थ वो अनर्थ करेगा ही करेगा, वो कुछ ऐसा करेगा कि पूरा परिवार उससे शर्मिंदा हो जाएगा। यदि पैसे वाले हो, रूपवान हो, जवानी हो, सब कुछ हो, नाम हो पर दिमाग ना हो, बुद्धि ना हो, संस्कार ना हो, तो फिर वो कुछ तो करेगा। और भगवान पत्नी के बेटे ऐसे ही है, भगवान के बेटे होकर भी थोड़ा उद्दंड है, पैसे वाले के बेटे हैं, भगवान ने कई बार समझाया, बेटे कभी भी संतों का, ब्राह्मणों का, गरीबों का नुकसान मत करना। और एक कथा भी बताई राजा नहुष की, कि राजा नहुष जो थे ना बहुत बड़े दानी थे, दान करते गए क्या गौ दान, और इतनी गायों का दान कर दिए, या सत्ते धूमेरियस्य या मैदीयस्तदा, यानी पृथ्वी में जितने कण हैं और आकाश में जितने तारे हैं, तारों को गिन भी लेंगे पर उन्होंने उतनी गाय दान की ही कि पूरी पृथ्वी पड़ गई, बहुत दान किए, बहुत दिए दान में गायों को, पर एक गलती ये हो गई, एक गाय को दो बार गलती से संकल्प हो गया, पंडित जी आपस में लड़ गए, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, दोनों ब्राह्मण आए बोले महाराज आपने कल हमें दी थी, दूसरे वाले पंडित जी बोले महाराज सुबह आपने हमें दी थी, तो राजा को अहंकार हो गया, क्या बोले रे महाराज क्यों झगड़ते हो, सब हमारा ये लड़ाई क्यों करते हो, दो चार और ले जाओ, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, अरे महाराज, अरे राजा हंस बड़ा अहंकार करते हो कि बहुत पैसे वाले हो, जाओ तुम्हारी बुद्धि खराब है, गिरगिट बन जाओ, तुम्हारी बुद्धि सही नहीं है, श्राप दे दिए गिरगिट बन जाओ, तो वही राजा हंस गिरगिट बन गए, कुएं में पड़े हैं, आज भगवान का स्पर्श हुआ तो आज राजा हंस करके मोक्ष पा लिए। भगवान कहते हैं जहर पीने वाला तो अकेले ही मरता है, कोई जहर पी ले सिंगल मरेगा, पर ब्राह्मण का धन खाने वाला, ब्राह्मण का पैसा, पंडित जी का पैसा, ब्राह्मणों का धन हरण करने वाला गलत तरीके से, सकुलं च विनश्यति, उसका सकुल कुल सहित संहार हो जाता है, उसका बहुत नुकसान होता है, सकुलं च विनश्यति। इसलिए बेटो ब्राह्मणों का, साधुओं का, संतों का, गौ सेवा का पैसा, संपत्ति, धन कभी मत खाना, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। तो आज भगवान के बेटों ने कहा परीक्षा ही कर लो, और भगवान के बेटे नाम है शाम, जामवती के बेटे बड़े सुंदर हैं, साड़ी पहनवाई, मेकअप किए और स्त्री बना करके ले गए साधुओं के पास, आज परीक्षा करें, पापा जी बहुत बोलते हैं पंडित जी ऐसे, पंडित जी वैसे, संत ऐसे, आज एक काम करते हैं, आज टेस्ट लेते हैं। पहुंच गए, कौन बैठे हैं, विश्वामित्रोदो दुर्वासा, विश्वामित्र असित कण्व दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ और नारद, नारद जी भी हैं, द्वारिका के सीवा में बैठे, धूनी जल रही, धूनी जलते अग्नि, धूनी लग रही है, त्रिशूल बना हुआ है, चिमटा रखा हुआ है, कमंडल रखा है, सब लोग क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, साधु लोग
उसी समय भगवान कृष्ण के बेटे पहुंच गए, चार पांच छह बेटे, और एक बेटे सामने साड़ी पहनकर स्त्री बनकर पहुंच गए। बोले महाराज, बाबा जी, साधु जी, महात्मा जी, साक्षात। अरे महाराज, बाबा जी, ये हमारे गांव में नई वाली बहू आई है। बाबा, ये गर्भवती है ना, तो जानना चाहती बेटा होगा कि बेटी होगी। संतों ने कहा बेटी कोई बात नहीं, बैठो बताते हैं। और कहते साधुओं ने आंखें बंद की, और जैसे ही आंखें बंद की तो सब कुछ दिख गया कि ये भगवान कृष्ण का बेटा है, भगवान कृष्ण का बेटा है। पेट में कपड़े बांध कर आया, पोटली बांध कर आए हैं। आज जैसे बोले बोले, अरे दुष्टों, कृष्ण के बेटो, राजा के बेटे, तुम क्या समझते हो, बड़े आदमी के बेटे हो, राजा के बेटे हो, तुम ब्राह्मण साधु संतों को अपमानित करोगे, उनका मजाक उड़ाओगे। जाओ, इससे जो भी होगा वो तुम्हारे कुल का, यदुवंश का नाश कर देगा, संहार कर देगा। लग गया श्राप। जैसे ही खोले ना पोटली को, मूसल बन गया, लोहे का पिंड बन गया। और साधु ने क्या किया, धूनी जल रही थी तो पानी डाल दी, अग्नि बुझा दी, चिमचा लिए, त्रिशूल लिए, कमंडल लिए, द्वारिका से बहुत दूर चले गए। बोले जाओ, तुम्हारे कुल का, खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। श्राप लग गया। पूरे बेटे आए और जाकर के भगवान से नहीं बताए, बुजुर्गों से बताए थे, बोले कुछ नहीं होता, पंडित जी ऐसे ही बोलते रहते हैं। पीस करके समुद्र में डाल दिए उस मूसल को, और एक टुकड़ा, एक मछली निकल गई। और भगवान से कितनी बड़ी घटना हो गई नहीं बताए। और लिखा है, घर में कोई बात हो जाए, कोई विवाद हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो घर के मालिक को, घर के मुखिया को जरूर मालूम होना चाहिए, शायद बच भी जाते। यदि भगवान के बेटे बता देते तो बच जाते, भगवान को छुपा कर लेते। पर भगवान से नहीं बताए। भगवान रात को बोले, हे भगवान, मेरे बेटे होकर, भगवान के पुत्र होकर इतनी बड़ी गलती करकर मुझसे नहीं बताए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो होगा देखा जाएगा। और जिस दिन से श्राप लगा तो पंडित जी, साधु जी, संत जी, ब्राह्मण जी द्वारिका में आना ही बंद कर दिए, कोई ब्राह्मण नहीं आता। और भगवान क्या करते, बड़े उदास रहते, मेरे बेटों ने मेरा ही कुल बर्बाद कर दिया। आज नारद जी महाराज बहुत दिन बाद आए हैं, दो तीन महीने बाद नारद जी हैं, और श्राप देने वाले में नारद जी भी आए हैं। तो वसुदेव जी महाराज ने क्या किया, वसुदेव महाराज ने प्रणाम किया और बोले, महाराज ये बताइए कि मन को परमात्मा के चरणों में कैसे लगाएं, मन कैसे हमारा भगवान के चरणों में लगे। तो नारद जी बोले, मन को लगाना है तो क्या करना है, अपने मन में पहले दुनिया को हटाना है, अपने मन से दुनिया को हटाइए, भगवान को बैठाइए तो मन लग जाएगा। वैराग्य की चर्चा, भक्ति की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, अनेकों प्रकार की चर्चा होगी। बोले यदि भगवान के पास जाना है तो भक्ति करिए, भक्ति हो भगवान से मिलने की, ज्ञान हो जाए हमें अपने आप का कि हमारा शरीर मरने वाला है, ये शरीर, ये संसार हमारा साथ देने वाला नहीं है। और वैराग्य हो जाए हमें अपने आप से, भक्ति ज्ञान वैराग्य की यही व्याख्या। बोले वैराग्य लाओ और परमात्मा से संबंध बना लो, संबंध बना लो भगवान से, और विश्वास रखो कि भगवान हमारी मुक्ति कर देंगे, क्योंकि हमारे साथ क्या जाने वाला, भगवान का नाम, अपने किए गए अच्छे चरण। और आखिरी में क्या कहते हैं नारद जी, कहते हैं जो बात आप उससे पूछ रहे हैं, यदि यही बात राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से पूछा, और 24 गुरुओं की कथा आती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय भगवान की आंखों के देखते देखते, क्योंकि अधर्म चाहे भगवान के यहाँ हो, चाहे पंडित जी के यहाँ हो, चाहे जिसके यहाँ हो, चाहे सेठ जी के यहाँ हो, चाहे किसके यहाँ भी अधर्म जहाँ होगा वहां पे समस्याएं तो आएंगी। इसलिए क्या करना हमें, धर्मं भजस्वतं त्यजलोक धर्मं, धर्म हम करें तो हमारा कल्याण होगा। लिखा है ना, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म कैसा हो, हमारे घर से शुरू हो धर्म हमारा,
घर से हो, परिवार से हो, दुकान में भी धार्मिक बनकर रहे, नौकरी करते हैं वहां भी धार्मिक ही रहे, ट्रेन में जाए वहां भी धार्मिक बनकर रहे, धार्मिक बनकर अपने आप में अपने नियम में, तब हमारा कल्याण होगा। जय जय श्री राम। तो बोले भगवान से प्रेम हो जाए, दुनिया का ज्ञान हो जाए और दुनिया से वैराग्य हो जाए कि मैं कुछ लेकर नहीं आया था तो क्या लेकर जाऊंगा, जब मैं नहीं था तब भी दुनिया थी, हम हैं तब भी दुनिया है, हम चले जाएंगे तब भी ये दुकान मकान रोड सब चलता रहेगा, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, जो पाए हैं यही तो पाए हैं, जो छोड़ेंगे यही छोड़ेंगे, कोई कुछ लेकर नहीं आया, कोई कुछ लेकर जाएगा नहीं, परम सत्य है। इसके बाद बिना जाने क्यों लोग इतना पाप करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत सहजादी छोड़ा सतगुरु।